अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप, करोड़ों की स्टाम्प चोरी की दबी जुबान में चर्चा। भूमि पर प्लॉटिंग के बाद आए दिन नया विवाद जन्म ले रहा है। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपुल्स वॉइस। जिला बदायूं के कस्बा सहसवान में प्लाटिंग की जा रही एक भूमि पर आए दिन कोई ना कोई विवाद हो रहा है। कई विवाद के बाद अब एक नया विवाद सामने आया है। सहसवान मोहल्ला सैफुल्लागंज स्थित एक भूमि जो डिपो के नाम से प्रसिद्ध थी और उस पर उजानी निवासी और सपा नेता रजनीश गुप्ता का पिछले 35 वर्षों से कब्जा था और फसल भी हो रही थी, जबकि उसका स्वामी कोई और था। इसी गाटा संख्या के बकाया खातेदारों ने अपनी कुछ भूमि किसी प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी। उसके बाद उन लोगों ने उसे जमीन पर कब्जा कर लिया और विवाद शुरू हो गया। इसी बीच एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। इसी भूमि के बकाया खातेदार भी भूमि पर कब्जे के बाद ये मांग कर रहे हैं कि जिस भूमि का बैनामा हुआ है वह भूमि पीछे है, जबकि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा सड़क किनारे की भूमि पर कब्जा किया गया है। सवाल ये भी है कि ये लोग अब तक कहां थे। अभी ये विवाद पूरी तरह से सुलझ भी नहीं पाए थे कि इसी बीच एक नया विवाद पैदा हो गया है, जिसको लेकर अब पूरा मोहल्ला एकजुट है। प्लाटिंग के लिए इस भूमि पर भराव करते समय प्रॉपर्टी डीलर द्वारा दशकों पुराने नल को भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण निकासी का सारा जल मोहल्ले में ही भरना शुरू हो गया। लोगों का यहां तक कहना है कि ये जल निकासी 100 साल पुरानी है। इसको लेकर मोहल्ले वालों ने हंगामा कर दिया और बड़ी संख्या में एकजुट होकर तहसील पहुंच गए। उपजिलाधिकारी सहसवान अपने कार्यालय में नहीं मिले तो सारे लोग इकट्ठे होकर तहसीलदार सहसवान के कार्यालय में पहुंच गए और इस नाले को तुरंत खुलवाने की मांग की। मोहल्ले वासियों का ये कहना है कि हमें केवल पानी की निकासी से मतलब है, कौन किसकी भूमि पर कब्जा कर रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और अगर उसके बाद भी किसी ने हमारी नहीं सुनी गई और प्रॉपर्टी डीलर द्वारा अगर यह नाला नहीं खोला गया तो सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर नाला स्वयं खोलेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर यहाँ कुछ अप्रिय होता है तो उसके जिम्मेदार ये लापरवाह अधिकारी होंगे। ये भी आरोप है कि इस प्रॉपर्टी में पैसों का बड़ा खेल हुआ है और इसीलिए अधिकारियों ने अपनी आंखों पर रेशमी पट्टी बांध ली है। इसके साथ ही मोहल्ले के कई अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि इस भूमि में कम से कम 1 करोड़ की स्टाम्प चोरी भी हुई है और भूमि का जो सकल रेट है उस बहुत कम दिखाकर रजिस्ट्री हुई है, जिससे राज्य सरकार को भी कई करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। अगर अधिकारी निष्पक्ष होकर जांच कर लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और एक बड़ा स्टाम्प चोरी का मामला भी सामने आ जाएगा। वहीं प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि नक्शे में ये नाला कहीं नहीं है और खाली भूमि देखकर लोगों ने अपने घर का पानी यहां निकाल दिया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवर खान। साथियों, इस वक्त हमें बदायूं के सहसवान में मोहल्ला सैफुल्लागंज स्थित एक भूमि जो कई दिनों से विवादित है। पहले किसी सपा नेता है कोई उजानी के, उनका उस जमीन पर 35 साल से उनका कब्जा था। उसके बाद वो जमीन किसी ने खरीद ली और बैनामा हो गया। एक विवाद तो ये रहा कि वो ज़मीन आखिर किसकी है। बहुत वक्त तक ये विवाद चलता रहा, अधिकारियों तक, पुलिस प्रशासन तक ये बात गई और ये विवाद बहुत दिन बाद जाकर इसका सॉल्यूशन निकला, तो शायद वहाँ पर एक बाउंड्री खींची और भराव हो गया। उसके बाद एक दूसरा विवाद वहाँ आया कि मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना था जो उस भूमि में से खातेदार थे कि ज़मीन के बैनामे जो हुए हैं वो पीछे की हुए हैं और कब्ज़ा आगे कर लिया गया है। आगे जाकर हम इस ज़मीन से कैसे निकलेंगे, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। साथियों, वो विवाद अभी निबट भी नहीं पाए तब तक एक नया विवाद खड़ा हो गया। या मेरे साथ आप लोग देख रहे होंगे, मेरे पीछे सैफुल्लागंज से कुछ लोग इकट्ठे हैं। इनका ये कहना है कि वहाँ जो लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं उन्होंने उस वहाँ पर एक नाला था जो ये मोहल्ले का पानी उस नाले से जाकर आगे एक तालाब में जाकर मिल जाता था, जिससे सारे जल निकासी वही उस नाले के थ्रू होती थी। अब इन लोगों का ये आरोप है कि उन लोगों ने कुछ दिन पहले वो नाला पूरी तरह से पाट दिया। नाला पटने की वजह से पानी की निकासी बंद हो गई और अब वो सारा का सारा पानी मोहल्ले में जा रहा है। आज ये सारे के सारे मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे वहीं सैफुल्लागंज वासी हैं, ये सब इकट्ठे होकर आए हैं यहाँ पर। और अभी तहसीलदार सहसवान से भी इन्होंने इस बारे में एक एप्लीकेशन दी है और इनका ये कहना है कि वहाँ पर अगर इसी तरह से अगर उस नाले को बंद किया गया
तो हम आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पर यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले मोहल्ले वालों से ही चलकर बात करेंगे, जो मोहल्लेवासी हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल यादव। मोहनलाल जी, क्या है ये? मैं 33 वर्ष से यहाँ सफलगंज का निवासी हूँ। 33 वर्ष से मेरा अपना मकान है। मैंने देखा है 33 वर्ष से कि मोहल्ले का पूरे जल निकासी जो थी एक तालाब में होती थी, मतलब ठीक है, 33 वर्ष से निरंतर हो रही है वहाँ पर। लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ एक प्लाटिंग हुई, प्लाटिंग स्टार्टिंग में तो बुनियाद थी, उसी भराव पड़ा। उसके बाद में कुछ समय के पश्चात अभी कम से एक महीने से वो जहाँ जल निकासी थी वो नाला पाट दिया गया है पूरी तरीके से। मोहल्ले वालों ने, कुछ लोगों ने उनसे कहा, पाटने वालों ने, तो पाटने वालों ने कहा कि ये हमारी भूमि है, इस पर हम मतलब जो है कर रहे हैं, और प्रशासन से हमें मतलब जो है नाप के दी गई है, पुलिस प्रशासन से नाप करके दी गई है, और यहाँ लिखित में कोई नाला नहीं है, मतलब रेवेन्यू से नाप कर दी। जी नाप करके दी गई है। मैंने सुना कुछ लोग यहाँ पर जो थे वो आरोप लगा रहे थे कि सब SDM साहब की इसमें मिली भगत है। हाँ, मोहल्ले में आमतौर पर चर्चा है सबकी, समझे साहब की, जाकर के SDM साहब ने खुद उस पर कब्जा कराया है, मतलब इस तरह की चर्चा हमारे मोहल्ले में है, आमतौर पर सड़कों पर होती है, मतलब। और वहाँ जो लोग हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है पूरे मोहल्ले की। कोई तमाम लोग निकलते हैं, लोग कहते हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, शासन प्रशासन को दिया भी है, लिख करके भी दिया है, प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल। सीधा सीधा मोहल्ले वालों का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं इसमें जो मौजूदा सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं। आइए बात करते हैं मेरे साथ, भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष जी हैं। भाई साहब, क्या है ये पूरा मामला? ये मामला दूसरे की जमीन थी, 40 साल से हम देख रहे हैं। एक सपा के तुम्हारे की नेता हैं उजियानी के, उनका नाम है रजनीश गुप्ता, उनकी जमीन पर हमने 40 साल तक देख रहे हैं, पानी भर रहे तो पूरे मोहल्ले का पानी आता। अब कुछ माफियों ने उस जमीन का बैनामा कराया, क्या कराया है वो तो SDM और तहसीलदार की मिली भगत से सबके दत्तमारी को करा के, और मोहल्ले का पानी भी बंद कर दिया। और 12 तारीख को हमने दत्तमारी की तहसीलदार साहब को दी, SDM साहब मौके पर है नहीं, तो तहसीलदार साहब कही अभी मैं अगर जा जाए तो लिखित में तो ना लिखित में अभी भेज के मैं नाब तहसीलदार को और अभी दत्तमारी खुलवाता हूँ। नाब तहसीलदार की गाड़ी गई, उनने फ़ोन करो, हमें बुलाया, हमने सब दिखवाया, और उनको फिर पैसे कुछ मोटे देते हैं। तो नाब साहब बोले कि अब अधिकारी से बात करो, मेरे बस की बात नहीं है। किसने कहा ये? नाब साहब ने। अच्छा, नायब तहसीलदार ने ये कहा। हाँ। तो ये जो आप बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं, सीधा सीधा आप तहसील के अधिकारियों को ये आप इसमें चिन्हित कर रहे हैं और उन पर ये आरोप लगा रहे हैं? चिन्हित कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं, आप चले जाए, आप बात कर लें उनसे, माफियों तो वो कह रहे हैं कि तहसील को हम तुम्हारे की पैसे दिए, वो चीख चीख के कह रहे हैं, हम आरोप थोड़ा लगा रहे हैं, हम जरूर कुछ दिया है। उनका ये कहना है कि बात करेंगे, तो बात करेंगे भाई। और इतना सपा बसपा किसी राज्य में नहीं होता, इतना भाजपा में जो है वो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इस तरह से कोई सरकार में नहीं होता। तो कहीं नेता जन आज नेता नाम की मुझे तो ऐसा प्रीति तो होता है कि तुम्हारी राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन में भी इतना नहीं होता। आज पूरे मशीनरी के हाथ में तुम्हारी की सरकार नाम की चीज नहीं है। भारतीय किसान यूनियन का जो आरोप सीधा सीधा जो है वो तहसील के अधिकारियों पर है। मेरे साथ में पूरे मोहल्लेवासी खड़े हुए हैं। भैया इधर को आ जाना, इधर आ जाओ मुल्ला जी, क्या आप इधर आ जाओ, आपका निवास नहीं है जी? मेरा मोहल्ला सैफलगंज में रह रहा हूँ मैं, मेरे घर के पास ही घटना है। 2 महीने पहले यहाँ पे निर्माण काम शुरू हुआ था, तब नाला प्रॉपर करके चल रहा था, नाले के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी, नाला बंद नहीं करा गया था। पहले बाउंड्री करी, गेट चढ़ाया, पीछे पूरी जगह घेर ली, अचानक रात में 11 तारीख को नाला बंद कर दिया, पूरा पानी ब्लॉक कर दिया नाले का। अब स्थिति है वहाँ पे बाउंड्री करके प्लॉट काट रहे हैं, आज की स्थिति है कि आप पैदल नहीं निकलते, आज पानी भर चुका है वहाँ पे। जब बारिश होगी पूरा मोहल्लागंज ताला बन जाएगा, 5-6 लोगों को पानी आता है, पीछे निकल के वहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक हो गया सब पानी। शिकायत 11 तारीख को लिखित में दी, मैं भी इनके साथ था, तब भी 11 तारीख को शिकायत दी गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आज फिर दी है। अगर आज कार्रवाई नहीं होती है, कल DM साहब से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री पास जाएगा पूरा मोहल्ला। हमें उससे मतलब नहीं है किसकी प्रॉपर्टी है, हमें उस नाले से मतलब, जिसमें 5-6 लोगों को पानी जा रहा है, वो नाला खुलना चाहिए। अगर वो नाला नहीं खुलेगा तो ऊपर तक सब लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे और उसके शाम को सब कुछ कार्रवाई वहां तक पहुंची निश्चित है। आप जाओ, मौके का मायना करो, किसी से बात करोगे डायरेक्ट कहता है प्रशासन मिली बता, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब जो लोगों के खड़े होकर देखिए, ये जिस तरह से मोहल्ले वालों का कोई व्यक्ति जाके देख सकता है शासन किसी, हम तो BJP बड़े अच्छी मानने, BJP चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चल रहा है, क्या है लॉ एंड ऑर्डर, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा मोहल्ला डूब रहा है, अभी तो 50 लोग हैं, शाम को पूरा मोहल्ला खड़ा होगा, पूरा ब्लॉक कर देंगे उस प्रॉपर्टी के लिए, और कोई बोलने वाला ना, सब माफिया की धरी जाएगी वहाँ पर, अगर पूरा मोहल्ला सामने खड़ा होगा, और अगर हालत तय ना हुई तो पूरा मोहल्ला तैयार, कोई नहीं बोलेगा था। पर ये भीड़ लगी हुई है और ये लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से वहाँ पे अभी पानी भरना शुरू हुआ है और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में पूरा मोहल्ला एक तालाब की शक्ल में तब्दील हो जाएगा, और अभी
जैसा कि अभी मेरे सामने पीछे वकील साहब खड़े हैं, उन्होंने बताया कि अगर यहाँ से सुनवाई होती है तो ठीक है, यहाँ से नहीं होती है तो जिलाधिकारी बदायूं तक जाएंगे, और जिलाधिकारी बदायूं भी नहीं सुनते हैं तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तक जाएंगे। तो आप इस एक कमर कसने जी बताइए, मोहल्ले किसी भी व्यक्ति जो पुराना बुजुर्ग है उसे आप जाकर भी लाइव चली जाए, उससे किसी व्यक्ति बात करिए, वो नाला था बैनाम उठाइए, किसी व्यक्ति ने जो बैनाम हुए उसमें नाला दक्षिण साइड नाला खुला हुआ प्रत्येक बैनामा में, हमें प्रॉपर्टी से मतलब हमें सिर्फ नाले से मतलब नाले पीछे प्रॉपर्टी तो हाथ धोना पड़ेगा, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी घेर ली पीछे, बीघाओं में कब्जा कर लिया, बात कब्जे नहीं बात नाले की, नाला कहाँ गया जो 50-60 साल से चल रहा है, वो नाले गायब हो गए। साथियों अभी हम जाके वहाँ मौके पर भी जाएंगे, जाकर देखेंगे कहाँ नाला था और क्या पूरी स्थिति है। मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंकित माहेश्वरी, माहेश्वरी जी क्या समस्या है नाले की? नाला भैया यहाँ पानी बहुत इकट्ठा हो रहा है, देख लो आपकी आंखों के सामने आज से इकट्ठा हुआ है, आज तो ऊपर आ निकला और सड़क है। आप नगर पालिका से शिकायत नहीं की इसकी? अभी तो किसी ने कुछ नहीं करा है, आज इकट्ठे हुए हैं सब लोग यहाँ सभा से तो पानी यहाँ पूरे सैफुल्लंद का आ रहा है, मदनपुर की तरफ का आ रहा है, यहाँ का नाला बंद हो गया है, इसी की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है। और कंडा भी है, लकड़ियां भी है, और देखो भूस भी है हमारा, नाली चिचिया भी है, इसमें जा रहा है पानी बारे में हमने और